साधारण शहर नहीं है नवाबी नगरी, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी महंगाई के जमाने में सोने की चाय पी रहे हैं, सोने की मिठाई खा रहे हैं और तो और हजारों पैसे खर्च करके सोने का दांत भी लगवा रहे हैं, सोने का पान भी खूब खाया जा रहा है। क्या ये रईसी नहीं है? यही जानते हैं देश के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर रवि भट्ट से। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है और इस बात को कब लोग जानते हैं जो आपने कही इस समय, कि लखनऊ की विशेषता यह है कि नवाबी युग आर्थिक रूप से अवध का स्वर्णिम युग था। यहाँ पर लखनऊ वॉज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नवाब्स। एंड यू नो, ये किस हद तक ये रईस था कि इट वॉज नॉट वन ऑफ द रिचेस्ट, बट लखनऊ भारत का सबसे रईस शहर हुआ करता था। एंड इट वॉज रिचर देन द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कैलकटा एंड प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मेड्रास, इनसे भी रईस था। अब रईस होने का इसका रीज़न क्या था? तमाम अनेक कारणों के अलावा इसका बेसिक क्या था कि जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल थी और लैंड फर्टाइल होने से यहाँ पर एग्रीकल्चर टैक्स बहुत ज़्यादा आता था, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर क्या था कि 1764 जो यहाँ का अवध की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, जबकि अवध के तीसरे शासक जो थे उनका नाम था नवाब शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला अलॉन्ग विद द नवाब ऑफ बंगाल और दिल्ली के बादशाह, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस ने 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी, जिसमें कि ये तीनों लोग बुरी तरीके से हार गए थे। हारने के बाद में नवाब ऑफ अवध का भी जैसा कि होता है वो राज अंग्रेजों के पास चला गया, लेकिन उसके बाद में अंग्रेजों ने उनको बहुत ही अपमानजनक शर्तों के ऊपर उनका राज वापस करा। उनमें से एक शर्त ये भी थी कि मतलब खाली दिखाने के लिए, कहने के लिए कि अवध की जो सुरक्षा है उसकी गारंटी ये देंगे अंग्रेज देंगे, और उसके लिए वो एक यहाँ पर फौज मेंटेन करेंगे और जिसका कि खर्चा पूरा का पूरा फौज को मेंटेन करने का है वो अवध के नवाब देंगे। अब देखिए, मज़ेदार बात यहाँ पर ये होती है कि जब जो मध्यकालीन युग था, मिडवेल पीरियड जो था, मिडवेल पीरियड के अंदर कोई भी जो शासक होता था उसका 40% उसका जो टाइम और धन जो वेस्ट होता था खाली अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अपनी बाउंड्रीज को डिफेंड करने के लिए। अब जब 40% काम तो यहाँ के नवाबों का ख़त्म हो गया क्योंकि अंग्रेजों के उसकी जिम्मेदारी ले ली थी यहाँ की सीमाओं की रक्षा की, और पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। तो जब पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा था तो उसका नतीजा ये निकला, जब आपके पास पैसा बहुत हो और आपके पास टाइम बहुत हो तो आप क्या करेंगे? तो ये यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के अंदर सारा इनका करना चाहिए धन और समय जाने लगा। और इसके अलावा जो मज़ेदार बात हुई, तो वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में तो कितना पैसा खर्च होगा, इसके अलावा यहाँ के जब आदमी के पास पैसा बहुत था तो इन्होंने क्या करा कि नंबर ऑफ नौकर बढ़ने लग गए इनके लिए। तो ये राजाओं के पास भी जो नंबर ऑफ नौकर तो बढ़े ही बढ़े, वही संस्कृत वही कल्चर उनके नीचे वाले भी उनके नकल करने लगे, यानी कि उनके जो वज़ीर थे, वज़ीर के बाद और जो सामंत लोग थे, जमींदार थे, तालुकेदार थे, व्यापारी थे, इन लोगों ने सबने करना क्या शुरू करा कि नंबर ऑफ नौकर यहाँ पर बढ़ने लग गए। किसी के पास मतलब जैसे एक हुक्का भरने वाला कहते हैं, हुक्का भरने वाला एक है, चिलम भरने वाला एक है, रसोईया जो है वो बहुत स्पेशलिस्ट तरह तरह के रसोईया लोगों ने रखने शुरू कर दिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि लेट बैक एटीट्यूड, जिसे कहते हैं ना आराम तलबी, लखनऊ के समाज के नस-नस में समा गई। और वही आज आप भी देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं कि लखनऊ में आराम तलबी कितनी है। और विशेष करके मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर खाने में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होने लग गए, और यहाँ के वो खाने के लिए में कितना पैसा खर्च होगा इसकी कोई परवाह ही नहीं करता था, क्योंकि पैसा बहुत था, कहीं तो खर्च होना ही है जो जो सामंत लोग थे, अमीर लोग थे। तो इस वजह से यहाँ पर
खान पान के ऊपर बहुत पैसा खर्च हुआ। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।